अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सईदा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इजी क्विक और हेल्दी डिजर्ट रेसिपी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लेंगे और उसमें डालेंगे हम एक पूरा और एक आधा कप दूध शामिल किया है, और साथ ही मैंने इसमें चीनी डाल दी है 1/3 कप। इसको मैं हल्का सा मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो चीनी है वो थोड़ी पिघल जाए। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे ड्राई मिल्क, मिल्क पाउडर कोई सा भी ब्रांड आप ले सकते हैं। 1/4 कप मैंने डाला है और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूंगी। इसको हमने बॉईल करना है मीडियम फ्लेम पर, 7 से 8 मिनट लग जाएंगे इसमें। और उबालते हुए आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। अगर चम्मच नहीं हिलाएंगे तो फिर जलने का खतरा होगा। दूध उबल जाए तो आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने तक इसमें चम्मच हिलाते रहना है। इसको हम रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए। दूध जब तक ठंडा होता है हम बना लेते हैं सागुदाना। सागुदाना को उबालने के लिए हम क्या करेंगे कि 3 कप पानी ले लेंगे। 3 कप पानी को हम उबाल लेंगे अच्छी तरह। जब ये उबलने लगे तो आपने सागुदाना डालना है इसके अंदर 1/4 कप, और मुसलसल हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। चम्मच इसलिए हिलाएंगे कि कहीं ये जल ना जाए, नीचे लग ना जाए। इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तो हम इनको छान लेते हैं। ठंडे पानी से आप इनको निकाल लीजिए। यहाँ पर मैंने मैंगो जेली ले ली है, इसको मैंने पकाकर ठंडा कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये सिंपल और मज़ेदार सी जेली, कलरफुल सी लगती है इस डिजर्ट के अंदर, आप इसको जरूर डालिएगा। देखिए क्यूब की शक्ल में मैंने काट लिया है। दूध हमने ठंडा होने के लिए रखा था रेफ्रिजरेटर में, बहुत अच्छा ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ चीजें मजेदार सी हेल्दी। यहाँ पर मैंने चिया सीड यानी के तुख मलंगा पानी में भगो के रख दिया था। 1 चम्मच तुख मलंगा लेकर आप 10 मिनट तक पानी में भगो कर रख दीजिए, और उसके बाद मैं इसमें 3 से 4 चम्मच जितने आपको पसंद हो डाल सकते हैं। और ये सागुदाना जो हमने उबाला था ये मैंने पानी से इसको निकाल लिया है, ये ट्रांसपेरेंट सा हो चुका है। अब हम इसको इस दूध में शामिल करेंगे इस तरह। इसको इसमें डालने के बाद 1/2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डाल लेते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। जैसे मैंने यहाँ पर पिस्ताशियो ले लिए हैं, बारीक बारीक आप इनको काट लीजिए, कैश्यू नट्स, और साथ ही मैं इसमें बादाम डाल दूंगी। सब चीजें मैंने बारीक बारीक काटनी थी। अब इसमें हम कुछ फ्रूट्स डाल लेते हैं, फ्रेश फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। मैं इसमें अंगूर डाल रही हूँ, ब्लैक अंगूर भी डाल रही हूँ, ग्रीन भी। आप चाहे तो इनको काट के डाल दीजिए, चाहे तो साबित डालिए, जो आपको पसंद हो फ्रूट्स वो आप डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने सेब डाल दिया है। ये सब चीज़ें मैंने 1/4 कप ली हैं। उसके बाद मैं इसमें जेली डाल दूंगी। जेली डालने के बाद हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसका टेस्ट और भी बढ़ाने के लिए हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 अदद केला, बारीक बारीक काट लीजिए। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक बटन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। इस यमी और टेस्टी सागुदाना डिजर्ट को आप सागुदाना ड्रिंक भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इस पे हमने किसी भी क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही हमने इसमें किसी कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है। बगैर कस्टर्ड और बगैर क्रीम के ही ये इतनी मजे की रेसिपी है कि आप इसको हर रोज बनाना पसंद करेंगे। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।